ओके तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम फेसबुक के अंदर में सेटअप पे अकाउंट करने जाते हैं यानी बैंक अकाउंट में अपना पैसा हो वो ट्रांसफर करने के लिए अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हैं $25 वाला, तो वहां पे एक इशू आ रहा है बार बार। आप कितना भी सही से डाल लीजिए, किसी का भी बैंक अकाउंट डाल लीजिए, यहाँ पे इशू आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे, चलिए मैं दिखा देना चाहूंगा, जैसे ही यहाँ पे हम अपना बैंक अकाउंट सारा डिटेल फिलअप कर लेते हैं, लिंक पे आउट मेथड पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इरर आएगा, मैं दिखा देना चाहूंगा। इनवैलिड बैंक डिटेल्स, जो कि हमने सब कुछ सही से फिलअप किया है, इसके बाद हमने एक और बैंक अकाउंट को ट्राई किया वो भी इनवैलिड बता रहा है, फिर से एक और बैंक का हमने ट्राई किया उसमें भी इनवैलिड अकाउंट दिखा रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस इशू को फिक्स कर सकते हैं। ये एकदम लेटेस्ट तरीका है, इसके जरिए आप यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या है कि यहीं पे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वायर ट्रांसफर, इस पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वायर ट्रांसफर पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मैच कर लेना है कि सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर, जिसका भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, उनका नाम सही से फिलअप होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आपका कंट्री सही से यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही से होना चाहिए और एड्रेस यहाँ पे देख लेना है, आपको सब कुछ मैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्विफ्ट कोड और बैंक अकाउंट डाल लेना है। ये क्या होता है मैं डाल के उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो चलिए पहले मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्विफ्ट कोड डाल दिया, बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। तो बैंक अकाउंट नंबर तो आपको पता ही होगा, स्विफ्ट कोड के बारे में मैं बता दूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा। आपको बैंक में विजिट करना है या फिर दोस्तों आपको पूछ लेना है कि यहाँ का स्विफ्ट कोड कहाँ का लगता है। जैसे कि मेरा तो बनारस का लगता है, तो मैंने गूगल पे किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बनारस का यहाँ पे स्विफ्ट कोड मुझे मिल गया है। और मैंने यहाँ से बैंक से भी पूछा है कि ये यही स्विफ्ट कोड लगा है कि नहीं, तो वो बोल रहे थे कि यही वाला स्विफ्ट कोड लगता है। तो आपको लेना है, बोलना है कि मुझे इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन करना है, तो वो लोग स्विफ्ट कोड आपको दे देंगे या फिर बता देंगे कि कहाँ का स्विफ्ट कोड लगता है, गूगल पे सर्च करके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट होल्डर नेम में आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, लिंक पेमेंट मेथड पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे जो देखेंगे आपको इनवैलिड बैंक डिटेल्स का इशू आ रहा था वो फिक्स हो गया होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एड योर टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ रहा है।